बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनीस इंजीनियरिंग की तरफ से हाफिज़ मोहम्मद आज़म रज़ा आज फिर एक नई वीडियो के साथ छोटे लेवल पे कारोबार करने के सिलसिले में लिक्विड मिक्सर और लिक्विड फिलिंग मशीन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम आपको इस वीडियो में जो लिक्विड फिलिंग मशीन है उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे और जो लिक्विड मिक्सर है उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। ये आप घरेलू जो है लेवल पर आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, बहुत कम बजट में ये आपको मशीनरी मिल जाएगी। इसमें आप तमाम जो लिक्विड आइटम है जैसा कि सैनिटाइजर वगैरह, ट्यूब और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं, लिक्विड शैम्पू वगैरह कुछ भी आप इसमें लिक्विड जो है वो मिक्स कर सकते हैं और ये जो फिलिंग मशीन में है इसमें आप उसको डाल के तो ऑटो भी फिलिंग कर सकते हैं और सेमी ऑटो भी फिलिंग कर सकते हैं। तो ये मशीन जो है ये मुकम्मल स्टील बॉडी आपको क्लियरली नज़र आ रही होगी, इसकी जो जो है पायदारी और इसके ऊपर जो मोटर है ये 1 हॉर्स पावर की मोटर है, 1400 चक्कर वाली सिंगल फेस, और ये उसके साथ पैनल है, उसके अंदर जो है इन्वर्टर लगा हुआ है वो आप देख सकते हैं। इसकी स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड स्लो भी कर सकते हैं और तेज़ भी कर सकते हैं। नाज़रीन, इस मिक्सर में आप तमाम कॉस्मेटिक्स की जो आइटम है लिक्विड वो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये जो इसमें लगाया गया है ये इसको सिल्वर सैंड मिक्सर कहते हैं। नाज़रीन, इसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 300 से 400 लीटर तक इसकी कैपेसिटी है और ये 304 में तैयार किया गया है। आप अपनी डिमांड के हिसाब से इसकी कैपेसिटी बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहे तो 1000 लीटर वाला भी बनवा सकते हैं, डबल जैकेट हीट वाला भी बनवा सकते हैं। और इसमें जो मटेरियल आप मिक्स करेंगे उसको जाहिर है उसके बाद आपने फिल भी करना है जार में या किसी ट्यूब टाइप में, तो उसके लिए ये साथ आपको ये जो फिलिंग मशीन दिखाई गई है ये उस काम के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो आज हम इसको चला के आपको इसकी वर्किंग दिखाएँगे, उसके बाद ये फिलिंग मशीन जो है ये भी आपको चला के दिखाएँगे और फिलिंग करके दिखाएंगे। ये पैनल से इसका बटन ऑन किया गया और ये देखें ये स्पीड स्लो चल रही है, आप इसको और भी कम कर सकते हैं, इसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, वो आपके कंट्रोलर में सिस्टम ऐड है इसके पैनल में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको स्लो स्पीड पे मिक्स किया जाता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको तेज़ स्पीड पे मिक्स किया जाता है, तो ये इन्वर्टर इसीलिए लगाया था कि आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकें। ये आप देख सकते हैं आपको इजी क्लियर जो है नज़र आ रहा है कि इसकी स्पीड अभी स्लो है और ये अभी इसकी स्पीड को तेज़ कर दिया गया, आप अपनी मर्ज़ी से इसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, ये मिक्सर की जो है वर्किंग हमने आपको दिखा दी है, आप इसमें तमाम कॉस्मेटिक के मटेरियल को मिक्स करके आप उसको फिल करके अपना छोटा घरेलू कारोबारी जो है वो बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप फूड आइटम जैसा कि जूस हो गया, इस तरह की मतलब मटेरियल भी आप इसमें मिक्स करना चाहें तो वो भी आप मिक्स कर सकते हैं। उसको मिक्स करने के बाद अब आपने उसको फिलिंग करनी है, तो हमारे पास ये छोटे छोटे जार हैं, अब हम इसमें वो लिक्विड को फिल करेंगे और ये आपको करके दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको इस मशीन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। ये इसका पंप लगा हुआ है, ठीक है, और ये इसका जैक लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर जो है टैंकी भी आप देख लें, ये भी SS में है, ये मुकम्मल मशीन SS में ही तैयार की गई है। टैंकी तकरीबन 10 से 15 लीटर की टैंकी है और इसको आप चाहे ऑटो इस्तेमाल करना चाहें तो ऑटो भी कर सकते हैं, मैनुअल इस्तेमाल करना चाहें तो दोनों सिस्टम इसमें ऐड किए गए हैं। ये इसके साथ नीचे दिखाएं भाई, ये इसका पैनल लगा हुआ है, इस टाइमर लगा हुआ है, ठीक है। इस टाइमर से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि इतने सेकेंड या इतने मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक फिलिंग करता रहे। अगर आप इसको मैनुअल करना चाहें तो ये भी नीचे वाला बटन है, यहाँ से आप ऑटो और मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं। ये फुट स्विच नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, इससे आप मैन्युअली इसको फिलिंग कर सकते हैं। दोनों फंक्शन इसमें ऐड हैं, जैसा आपको मुनासिब लगे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, पहले तो आपको हम ये मैनुअल इसकी फिलिंग करके दिखाएंगे। ये नीचे फुट स्विच लगा हुआ है तो ये पाँव से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मैनुअल तरीके से फिलिंग हो रही है। इसके बाद हम आपको इसको जो है ऑटोमेटिक पे भी करके दिखाएंगे। ये आप स्क्रीन पे क्लियर देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से जो है उसकी क्वांटिटी फिल कर रही है। नाज़रीन, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये बिल्कुल बराबर क्वांटिटी
और बहुत आसानी से इसने फिलिंग कर दी है। अब हम आपको इसको दोबारा ये मटेरियल टैंकी में डाल के इसको ऑटो पे करके जो है वो आपको चला के दिखाएंगे। नाजरीन ये अब बटन है, यहाँ से आपने इसको ऑटो पे कर देना। ये देखें आपके सामने ये टाइमर जो है ये ऑन हो चुका है, अब ये ऑटोमेटिक फिलिंग होगी। ठीक है, अभी आप आसानी से इसके आगे बोतलें करते जाएं, जो चीज़ आपने इसमें मतलब फिल करनी है, जार में करें या ट्यूब में करें, कुछ भी चीज़ आपके पास है जिसमें आपने फिलिंग करनी है वो इसके आगे करते जाएं। ये ऑटोमेटिक टाइमर के हिसाब से जो आपने इस पर सेट किया होगा उसी हिसाब से ये उसमें फिलिंग करती जाएगी। नाजरीन अब इसका जो वेट है, जो क्वांटिटी है, आप उसको ये जो नट लगा हुआ है यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको खोलते जाएंगे तो इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी। ठीक है, इसको बंद करेंगे तो इसकी क्वांटिटी जो है इसका वेट बढ़ जाएगा। इसका ये जो आपके सामने वीडियो में जो मशीन आपको दिखाई गई है, ये 20 ml से 200 ml तक की फिलिंग मशीन है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बनवा सकते हैं। और इसका जो प्रेशर है, फिलिंग का जो प्रेशर है, वो मटीरियल के हिसाब से कुछ मटीरियल ऐसे हैं जिनको प्रेशर कम रख के फिलिंग की जाती है, और कुछ मटीरियल ऐसे हैं जिनको फास्ट जो तेज़ प्रेशर है उसके साथ फिलिंग की जाएगी। तो उसका प्रेशर कम करने के लिए ये आपको वाल नज़र आ रहे होंगे, ये आप यहाँ से आप उसका प्रेशर को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, जितना आप अपने हिसाब से रखना चाहें प्रेशर, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है नाजरीन, ये जो टाइमर आपको दिखाया गया है, यहाँ से आप खुद इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि 10 सेकेंड पर आपने रखना है, या 15 या 20 या 30 सेकेंड पर आपने इसको रखना है। कितने सेटिंग आप इस पे सेट करेंगे उतने ही सेकंड बाद ये जो स्ट्रोक है ये फिलिंग के स्ट्रोक चलेगी। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगी जितने सेकंड पे आप इसको एडजस्ट करेंगे। ये छोटे लेवल पे कारोबार करने के लिए मशीन बनाई गई है। जो लोग कोरोना के वजह से परेशान हैं कारोबार के सिलसिले में, और जिनके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है, तो ये छोटी छोटी मशीनें, ये छोटे छोटे कारोबारी आइडियाज़ इसीलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप लोग भी इन मशीनरी का जो है वो फ़ायदा उठा सकें। आप घर पे जो है ये काम लेडीज़ भी कर सकती हैं, आप घर में इसको इजीली, छोटी सी मशीन है, ज़्यादा जगह की ज़रूरत भी नहीं है। नाजरीन अगर इसके बजट की बात की जाए, तो ये जो मिनिमम मशीनरी आपको हम दिखा रहे हैं वीडियो में, ये तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए की रेंज में है। उसकी वजह ये है कि ये देखने में आपको छोटी नज़र आ रही होगी, लेकिन इस पे जो मटेरियल यूज़ किया गया है मुकम्मल स्टील बॉडी है। ठीक है, कहीं पे भी इसका जो है वो लोहे में यूज़ नहीं हुआ है इस मशीनियों में, तो ये मुकम्मल स्टील बॉडी जो है, इसलिए इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। बाकी आप इससे प्रोडक्शन के हिसाब से मशीनों को बड़ा भी करवा सकते हैं, उसकी फिर उसी हिसाब से जो है वो प्राइस भी होगी। तो आप हमसे रابطہ करें, आपको जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से हम उसकी प्राइस भी आपको बता देंगे। जो वीडियो में आपको आपके साथ शेयर की गई वो थी लिक्विड मिक्सर और लिक्विड फिलिंग मशीन। ठीक है, इसके अलावा भी हम जो है बहुत सारी मशीनें बनाते हैं, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो लोग हमारी रेगुलर वीडियोज़ देखते रहते हैं, जिन्होंने हमें फॉलो किया हुआ है सोशल मीडिया पे। तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं अनीस इंजीनियरिंग के नाम से, आपको वहाँ पे तमाम मालूमती इन्फॉर्मेशन और कारोबारी वीडियोस मिल जाएंगी। सोशल मीडिया के लिंक्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप हमारी कंपनी का विज़िट भी कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है हमसे रब्ता रखें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह नेक।